हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साउथ इंडियन नारियल चटनी की रेसिपी, वो भी बगैर ताजे नारियल के। कैसे ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए तैयारी करते हैं नारियल चटनी बनाने की। यहाँ मैंने नारियल चटनी बनाने के लिए एक कप नारियल का बुरादा लिया है, साथ ही आधा कप दही है, एक इंच अदरक के टुकड़ा है और साथ ही दो हरी मिर्च भी है। नारियल के पाउडर को मैंने यहाँ चटनी जार में डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक। इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड होने के बाद आप देख सकते हैं दही और जो नारियल का बुरादा है वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये थोड़ा गाढ़ा है तो हम इसको जार में से निकाल कर इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद ये इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड हो गई है। अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने साबुत लाल मिर्च, करी पत्ता और सरसों दाना लिया है। एक छोटा चम्मच सरसों दाना है, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सरसों के दाना। इसे चटकने के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि तेल काफी गर्म है। साथ ही इसमें ऐड की है एक साबुत लाल मिर्च जिसे दो टुकड़ों में काटा है और थोड़ा सा करी पत्ता। अब ये तड़का तैयार है, हम इसको चटनी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो नारियल चटनी बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरी ये झटपट से नारियल चटनी बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी, वो भी बगैर ताजे नारियल के। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।